मेरे हिसाब से तो अनफेयर ही है, बिकॉज बहुत लोग सारा सुल्तान को पसंद नहीं करते थे, नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बचाया है। तो डबल स्टैंडर्ड्स ही है। अगर आपको इतना मेरा टैरो खटकता है या खटकता था, तो आप मेरे पास क्यों आए? हाउ वाज योर बीबी ओटीटी जर्नी? इट्स बीन रियली गुड। मुझे बहुत मजा आया, मेरे लिए बहुत ही खास था ये जर्नी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही यादगार रहा बिकॉज ऑफ लव एंड विशाल। We have seen the pattern of Bigg Boss elimination. It is not on the basis of viewers and audience votes, but the end decision is of Baharwala. But this time, all Gharwale decided to eliminate you. What is your take on it? Whether it is a fair elimination? मैं फेयर या अनफेयर, मेरे हिसाब से तो अनफेयर ही है, बिकॉज बहुत लोग सारा सुल्तान को पसंद नहीं करते थे, नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बचाया है। लेकिन ऑब्वियसली मेरा ग्रुपिज्म था विशाल और लव के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे खिलाफ गया, बट आई हैव नो रिग्रेट ऑन दैट, क्योंकि मैं सच्ची थी अपने गेम के लिए, उन लोग के लिए मैं सच्ची थी और एंड तक खड़ी रहूंगी। और इसके लिए अगर मैं बलि का बकरा इस वजह से भी बनी, इट्स फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लोगों को मैं वीक कंटेस्टेंट लगती थी बिकॉज मैं शायद इतना काम नहीं कर पाती थी इन टर्म्स ऑफ, मैं कुकिंग वगैरह नहीं करती थी, लेकिन जो दूसरे काम है मैं पूरी शिद्दत से मैंने किया है, चाहे वो बर्तन हो या झाड़ू हो, व्हाटएवर। बट फिर भी लोगों को खटकता था, सो आई थिंक उनको मैं इतनी एक्टिव नहीं लगी काम में एंड ऑल, सो मे बी ऑल दिस वेंट अगेंस्ट मी। हाउ डू यू सी द रोल ऑफ भारवाला दिस सीजन? वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि बारवाला के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है और बिग बॉस ने ये बहुत बड़ा ट्विस्ट लाया है, एंड अच्छा भी है बिकॉज बारवाला सब कंटेस्टेंट को कभी ना कभी, जो बाहर वाले बनते हैं उनको एक एहसास होगा पावर का। वी हैव सीन दीपक मेंशनिंग योर नेम इन एवरी नॉमिनेशन, व्हाई इट वाज हैपनिंग, हैव यू आस्क्ड हिम अबाउट इट? मैंने कभी पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि कुछ, जब मैं उनका टैरो पढ़ने जा रही थी तो मैंने कहा तो, लेकिन आप हर बार मेरा ही नाम लेते हैं नॉमिनेशन में, तो उन्होंने ऐसे मस्ती में बोला चलो अब से नहीं लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लीजिए, ये आपका चॉइस है। मैं उसके लिए अपने टैरो के साथ गद्दारी नहीं करूंगी, अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं करूंगी, बट उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम था देवान से, मुझे सच में आइडिया नहीं है। अरमान गेटिंग पनिशमेंट ऑफ नॉमिनेटेड फॉर होल सीजन इज अ फेयर punishment for him? Do you think he will raise his hand again if given a chance or like in the heat of moment? मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अरमान जी कोई फिजिकल वायलेंस करेंगे, क्योंकि उनको बहुत 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 स्ट्रिक्ट वार्निंग मिला है, हम लोग वहां पे थे जब उनको ये सब वार्निंग दिया गया। अभी काफी स्ट्रांग दंड है, बट आई थिंक बिग बॉस नोज बेस्ट। Whom do you think were non-deserving and who should have got eliminated instead of you? नॉन डिजर्विंग तो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज सब लोग डिजर्विंग हैं, बट मैं यही, क्योंकि जो अगर आप शो में हैं तो आप ऑब्वियसली डिजर्विंग हैं, ऐसे नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट तो कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से, जो भी है शो में डिजर्विंग है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आई थिंक दैट आई कुड हैव स्टेड अ लिटिल मोर लॉन्गर। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं टॉप फाइव या विनर बन सकती थी, बट मैं ये कह रही हूं कि मेरा जर्नी शायद थोड़ा और जा सकता था। पीपल हैव सीन योर फ्रेंडशिप विद विशाल एंड लव किस, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड इट वाज अ नाइस बॉन्ड। आर यू गोइंग टू सी द सेम आउटसाइड द हाउस? यस, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग का जो फ्रेंडशिप है वो बाहर भी चलेगा। मुझे इस बात का 100% आई वुड नॉट से डाउट भी नहीं है, और मेरे को 100% गारंटी है कि रिश्ता तो बना ही रहेगा। पीपल हैव कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर टैरो रीडिंग इन हाउस एंड सर उनका कोई गेम प्लान नहीं है, बस पूरा दिन टैरो कार्ड पढ़ती रहती है, एंड स्टिल दे हैव कम टू यू फॉर रीडिंग, व्हाट डू यू वांट टू से टू These people? तो डबल स्टैंडर्ड्स ही है। अगर आपको इतना मेरा टैरो खटकता है या खटकता था, तो आप मेरे पास क्यों आए टैरो रीडिंग करवाने को? आपको क्यों ये जानना है कि लोग क्या सोचते हैं, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, ऑडियंस मेरे लिए क्या सोचते हैं, मेरा फ्यूचर क्या है, वगैरह वगैरह। सब लोग मेरे पीछे पड़े टैरो के लिए, प्रैक्टिकली एवरीबडी, सिर्फ एक या दो लोग ने नहीं किया बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल चॉइसेस या जो है जैसे कि, बट फिर भी एवरीबडी हैड अ क्यूरियोसिटी। तो मैं यही कहूंगी कि इट्स कम्प्लीटली डबल स्टैंडर्ड एंड इट्स नॉट फेयर कि आपने मेरे प्रोफेशन को इतना डाउन किया। हुम डू यू सी इन टॉप थ्री एंड हु विल यू सपोर्ट आउटसाइड द हाउस? मेरे लिए तो टॉप टू ही है, अगर मैं देखूं तो मेरे लिए तो सिर्फ लव और विशाल है। लेकिन अगर मैं किसी और को, मुझे लगता है जो ने गेम अच्छा खेल रहा है, अच्छी खेल रही है, वो ऐसा ना मकबूल, एंड आई थिंक रणवीर जी।